दोस्तों नमस्कार। आज आईपीएल का 16वां मैच खेला गया। दोस्तों आईपीएल 2022 में आज 16वें मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में बेहतरीन मुकाबला खेला गया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि गुजरात की टीम ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पंजाब को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में तथा लखनऊ की टीम को 190 रनों का लक्ष्य दिया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज पंजाब की टीम की तरफ से मयंक अग्रवाल ने 9 गेंदों में 5 रन और एक चौका लगाया। शिखर धवन ने 30 गेंदों में 35 रन, ब्रेस्टो ने 8 गेंदों में 8 रन, लिंगेस्टन ने 27 गेंदों में 64 रन, शर्मा ने 11 गेंदों में 23 रन, स्मिथ ने अपना खाता भी नहीं खोला और आउट होकर के पवेलियन चले गए। आवेश खान ने 8 गेंदों में 15 रन, चहर ने 14 गेंदों में 22 रन, अरोरा ने 6 गेंदों में 2 रन और उसके बाद इस तरह से अतिरिक्त के रूप में मिले 4 रन। कुल मिलाकर 189 रन बनाए गए 9 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। और पंजाब की तरफ से जो विकेट गिरे वो 11 रन पर पहला विकेट मयंक अग्रवाल आउट हुए, दूसरा विकेट 34 के स्कोर पर ब्रेस्टो आउट हुए और 86 के स्कोर पर शिखर धवन आउट हुए, 124 पर शर्मा और इस प्रकार से स्मिथ 124 के ही स्कोर पर आउट होकर के पवेलियन वापस चले गए। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 9 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाया पंजाब किंग्स की टीम ने और लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम को, माफ कीजिएगा, गुजरात टाइटंस की टीम को बनाना था 190 रन। और उसके जवाब में गुजरात की टीम ने बैटिंग करना शुरू किया और गुजरात की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे वेड ने 7 गेंदों में 6 रन और बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हुए शुभमन गिल ने 55 गेंदों में 100 रन बनाए और सुदर्शन ने 30 गेंदों में 35 रन और हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 16 रन और अतिरिक्त के रूप में मिले 5 रन। इस प्रकार से 190 रन का लक्ष्य पूरा कर लिया और गुजरात टाइटंस की टीम ने एक बार फिर से मैच में एक बड़ी हार का सामना किया आज। और दोस्तों जो पंजाब की टीम की तरफ से रन बनाए गए वो 189 रन बनाए गए 9 विकेट के नुकसान पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों लाइक करते रहें। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी लोग, दोस्तों आज पूरे हाईलाइट के बारे में हम बताएंगे। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में खेले गए मैच के बारे में, 189 रन बनाया PVKS यानी पंजाब किंग्स की टीम ने और गुजरात टाइटंस की टीम को 190 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें गुजरात टाइटंस की टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटिंग किया। खासकर शुभमन गिल की बात करें तो आज 100 रन बनाई और बहुत ही शानदार तरीके से पांड्या ने भी बैटिंग किया। तो इस प्रकार से अगर आज के हाईलाइट की बात करें तो आज का मैच बहुत ही रोमांचक रहा और बहुत बेहद ही बढ़िया मैच खेला गया। 16वां मैच था T20 का, कल खेला जाएगा 17वां मैच। तो दोस्तों अगर आप 17वां मैच का भी हाईलाइट और पूरा प्लेइंग 11 टीम और क्रिकेट की पूरी अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी ही जानकारी क्रिकेट की देते रहते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज आईपीएल का 16वां मैच खेला गया। दोस्तों आईपीएल 2022 में आज 16वें मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में बेहतरीन मुकाबला खेला गया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि गुजरात की टीम ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पंजाब को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में तथा लखनऊ की टीम को 190 रनों का लक्ष्य दिया। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आज पंजाब की टीम की तरफ से मयंक अग्रवाल ने 9 गेंदों में 5 रन और एक चौका लगाया। शिखर धवन ने 30 गेंदों में 35 रन। ब्रेस्ट